हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं एन इंडियन यूट्यूबर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार को एनरोलमेंट आईडी के थ्रू किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है या उसका स्टेटस किस तरीके से चेक होता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में आधार नंबर से किस तरीके से स्टेटस चेक करना है वो बताया गया था, डाउनलोड करना है वो भी बताया गया था, और इस वीडियो में एनरोलमेंट आईडी के थ्रू मैं आपको स्टेटस चेक करना बताऊंगा। और इससे जो पहले वीडियो थी अगर आप उसे देखेंगे तो आधार के थ्रू आप आसानी से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो बने रहें इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको UIDA के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, और वेबसाइट पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके सामने चेक आधार स्टेटस का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा और आपके सामने ये चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट का स्टेटस शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये ओपन खुल के आ जाएगा चेक आधार स्टेटस। यहाँ आपको एनरोलमेंट आईडी डालनी है जो कि 28 डिजिट की होती है, जैसे कि मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। और इसके बाद में ये कैप्चा है, कैप्चे को हम फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में देखें यहाँ पर थोड़ा एरर शो हो रहा है, हम कैप्चा को यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम कैप्चा को रिफ्रेश मार के दूसरा कैप्चा यहाँ फिल करेंगे। और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब भी यहाँ पर ये कैप्चा गलत दिखा रहा है, चलिए हम दोबारा से इसे डालते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ही हमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, वैसे ही हमारे सामने ये प्रोसेस खुल के आ जाएगा। ये जो हमने चेक कराया है इसका जो खुल के आया है सामने, दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, यानी कि अभी जो ये आधार कार्ड है अभी प्रोसेसिंग में है और अभी ये ना ही जनरेट हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है। हमें जैसे ही जनरेट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, उसका मैसेज हमें यहीं पर दिखाई दे जाता है। चलिए दोबारा से हम इस प्रोसेस को आपको करके दिखाते हैं। हमें गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद में हमें टाइप करना है UIDAI, और इसके बाद में शो हुआ जो UIDAI.gov का ऑप्शन होगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद में हमें नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है, और फिर इस तरीके का ऑप्शन पेज खुल जाएगा और इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमें वही सेम प्रोसेस जो अभी बताया गया था वही करना है, अपनी एनरोलमेंट आईडी डालनी है। चलिए हम वो डाल देते हैं। और इसके बाद में हमें ये कैप्चा फिल कर लेना है। ये हो गया कैप्चा फिल। इसके बाद में सबसे पहले जो मेन पॉइंट है इसमें सीखने का ये है कि जब हम एनरोलमेंट आईडी डाल देते हैं उसके बाद में टाइम और डेट डालने का ऑप्शन आता है, तो हमें जो डेट डालनी है जैसे कि 3/6/2018 है, तो हमें पहले 2018 डालना है, फिर 06 डालना है, फिर 03 डालना है, और उसके बाद जैसे हमारी टाइमिंग है 18/20/22, तो हमें उस तरीके से ही टाइम को जैसे लिखा हुआ होता है एनरोलमेंट आईडी में उसी तरीके से डालना है। बस हमें डेट ऑफ बर्थ जो रहती है वो उल्टे से शुरू करनी है, तो इस तरीके से आप अच्छे से इसमें डाल पाएंगे। तो जैसे कि हमने अपने केस में ये सबमिट कर दिया है कैप्चा, और हम डाल दिया है और हम सबमिट करते हैं।
ये देखिए, जैसे अभी हमने बताया था, दूसरे वाले हमने चेक करा था वो प्रोसेसिंग में था। ये दूसरा आधार कार्ड है जिसकी एनरोलमेंट स्लिप से हमने इसे चेक करा है, तो इसमें दिखाया गया है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, विल योर आधार इज़ प्रिंटिंग एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज़ डाउनलोड ए आधार। यानी कि ये जो है आधार कार्ड ये बन चुका है, हमने एनरोलमेंट आईडी से चेक किया है और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है इस जैसे आपने इस पर क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद में आप इस पर UIDAI के पोर्टल पर गए थे और उसके ही जस्ट बराबर में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ही शुरू में आ जाता है डाउनलोड आधार। जैसे ही आपको आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी, वर्चुअल आईडी, इन तीनों के थ्रू आप ये आसानी से ही डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डालेंगे इनरोलमेंट आईडी और कैप्चा डालेंगे, उस पर एक OTP जाएगा। OTP जनरेट होने के बाद में आप यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसमें OTP फिल करने के बाद में ही और आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। और एक मैंने आधार नंबर से किस तरीके से डाउनलोड होता है आधार कार्ड, वो मैंने प्रोसेस बताया गया है। सेम अगर आप उसी प्रोसेस को करते हैं तो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई कमी या दिक्कत आती है, आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। आधार को डाउनलोड करने के तीन तरीके थे, जिसमें कि मैं दो तरीके अभी बता चुका हूँ। एनरोलमेंट आईडी से अभी मैंने आपको चेक करना बताया है, डाउनलोड नहीं। डाउनलोड करने के प्रोसेस में आगे इस वीडियो में बनाऊंगा, अभी चेक करने का जो प्रोसेस है आप आसानी से इसे समझिए और आने और इन फ्यूचर यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको भी समझ आ सके किस तरीके से डाउनलोड होता है एनरोलमेंट आईडी और आधार नंबर से। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।